भारत के बड़े त्योहारों में भाई बहन का अटूट त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन इस साल भी कोरोना वायरस की छाया बाजारों में देखने को मिल रही है। दुकानों में राखी तो सजी हुई है, लेकिन दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और खरीदारी नहीं होने से दुकानदार भी परेशान हैं। जिले के सबसे बड़े थोक बाजार गरीब स्थान रोड में है, जहां राखी के त्यौहार के लिए रंग बिरंगी राखियाँ सजी हुई हैं, लेकिन खरीदारी बहुत कम हो रही है। कई वर्षों से राखी का कारोबार करने वाले दुकानदार अफताब ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण ग्राहक खरीदारी करने के दौरान सावधानी बरत रहे हैं। बाजारों में अधिकतर दुकानें तो खुली हैं, लेकिन अभी पहले जैसी स्थिति नहीं है। अभी स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि लोगों के मन में कोरोना संक्रमण का डर है। रक्षाबंधन में कुछ साल पहले तक बाजारों में खूब भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार बहुत ही कम लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। राखियों की डिमांड महामारी के चलते बाजार थोड़ी सुस्त हो गई है। ओमकार, रुद्राक्ष, चंदन, वीरा के अलावा बच्चों के लिए डोरेमोन, छोटा भीम आदि राखियों को भी भाइयों की कलाई पर सजाने के लिए बहनें खरीदारी कर रही हैं। देखिए, बाजार की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी कोरोना काल का जो भय था वो 50% कम हुआ है। 50% तो कंटिन्यू है और लोगों के पास पैसा का क्राइसिस है, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे बढ़ी है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, मान लीजिए उनको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उनका तो नौकरी का था पता नहीं है। लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, फेस्टिवल है, बहुत उनका जो बजट है मान लीजिए मोटा मोटी 25% जो है परचेजिंग लोग कर रहे हैं, 75% लोग जो है इग्नोर कर दे रहे हैं। पैसे का प्रॉब्लम है, मार्केट में कस्टमर नदारद है।